ईश्वर ही है और है कौन। तो कर्म का बल भी तुरंत आता है, फीलिंग आती है ये तुमने सही किया कि गलत किया, गलत फीलिंग बता रही कि तुम गलत कर रहे हो। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना प्रारंभ करें, इस समझ के साथ कि जो आप देते हैं वह मल्टीप्लाई होता है, अनेक गुणा बढ़ता है। यह ईश्वर के पास जाता है, ईश्वर जो गुणक है, गुणक यानी मल्टीप्लायर। सही समझ से क्या ईश्वर को दें यह निर्णय लेना है। विश्व में हर जीव के लिए स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, संतुष्टि हो, यह प्रार्थना बीज मल्टीप्लाई हो जाए, इतने गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाए ताकि अरबों मनुष्यों तक यह प्रभाव पहुंचे। हे ईश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आप सबके लिए। स्वास्थ्य चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, आपकी इच्छा हमारी इच्छा बने। सभी प्रेम आनंद मौन में जीवन जिए, ऐसी कामना हम रखते हैं। कृपया इस प्रार्थना को स्वीकार करें। कृपया जो कृपा आप करते आए हैं वह कृपा जारी रखें। हर मनुष्य अपने कर्मों को जागृति से करे, हर कर्म का फल मुक्ति की तरफ ले जाए, कर्मों का बंधन टूटते जाए, मोक्ष का रास्ता सभी के लिए खुले। मनो शरीर यंत्र यानी हमारा शरीर उसमें सहयोगी बने। भाग्य में न अटककर लोग पुरुषार्थ करें, स्वास्थ्य को बनाए रखें। सभी आत्मनिर्भर बने, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें। जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी की जिम्मेदारी अपना घर समझकर पूरी करें।
कर्मों का असर कहाँ तक पहुँचता है यह ज्ञान सबको मिले। सब भाईचारे के साथ इस घर में रहें, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हे ईश्वर, भाग्यवादी बनकर जो कर्म से मुंह मोड़ते हैं, बीमारियों को निमंत्रण देते हैं, उन सब की बुद्धि पलट दो। सभी कर्म योग को अपना कर भक्ति में, प्रज्ञा में कर्म करना सीखें। ऐसी सद्बुद्धि विवेक सबको प्राप्त हो। कर्म की गूंज सब पहचान पाएं, दुख को दुख न मानकर कर्म की गूंज समझकर तुरंत कर्म संकेत समझ लें, अपना कर्म सुधार लें। पृथ्वी से सारी नकारात्मक बातें कर्म के प्रभाव से विलीन हो जाएं, यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाए, हमारा घर स्वर्ग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुभ्र प्रकाश से अपना आशीर्वाद पृथ्वी पर आप भेज रहे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना का सुनहरी प्रकाश पृथ्वी से जागृत हुआ है, सभी की चेतना बढ़ रही है, सभी की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ चुकी है कि सभी पर्यावरण का ख्याल रखना सीख चुके हैं, जिस वजह से सभी का स्वास्थ्य परम शिखर तक पहुंच रहा है। प्रार्थना जारी रखें, इस तरह अपनी जिम्मेदारी से 0.001% भी जिम्मेदारी जो खोजी महसूस कर रहे हैं वे प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सच्चाई जानने के बाद भजन निकलते हैं, आनंद के गीत निकलते हैं, सभी के लिए मंगल हो। कैसे अभंग निकले, कैसे दोहे निकले, उसी आनंद को पाकर, तेज आनंद को पाकर। मीरा ने गाए, कबीर ने गाए, संत तुकाराम ने गाए, संत ज्ञानेश्वर के पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ आज तक जो लाभ दे रहे हैं, गीता, ईश्वर का गीत। गीता क्या है? ईश्वर का गीत है। तो वो आनंद से निकला हुआ
गीत हमारे जीवन में कैसे आएगा जब हम ये गलतियां बंद कर देंगे कि कर्म क्या कर रहे थे जिस वजह से आज ये एको आया है। क्योंकि हमें चारों तरीकों से काम करना, एक दवा, दुआ, दावा, दीक्षा, इन चारों तरीकों से इंसान का दुख दूर करना है। आज यहाँ डॉक्टर्स भी बैठे हैं, आज यहाँ टीचर्स भी बैठे हैं, आज ऐसे लोग भी बैठे हैं समाज में जिनके निर्णय से कुछ बदलाहट आती है समाज में। वे सब लोग जब जिम्मेदारी लेंगे कि कैसे ये चीज़ें लोगों तक पहुँचे, कैसे हर डॉक्टर ये नॉलेज रखे ताकि अपनी दवाई के साथ वो दवा भी दे पाए, पेशेंट के मन के अनुसार शकुनी है कि शकुंतला है कि शेकचिली है, कैसा पेशेंट है उसके अनुसार उसको दवा दे पाए। एक आयुर्वेदिक का डॉक्टर है, एक होम्योपैथिक का डॉक्टर है, सभी पैथी क्या कर रही है, सभी पैथी कुछ विशेषता रखती है, आयुर्वेद विशेषता रखता, सभी की विशेषताओं का लाभ मिलना चाहिए, पेशेंट को सभी चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए। तो जो ग्रहणशील हैं वे ले पाए, जो बैठे रहते हैं भाग्य का रोना रोते रहते हैं मगर सच्चाई सामने आ गई तो पता क्या चलेगा, कर्म और भाग्य दो अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ का नाम है कर्म और भाग्य। इसको कैसे समझे, कोयला और लकड़ी, लकड़ी और कोयला क्या है, लकड़ी जलने के साथ बनता है कोयला, एक ही चीज़ है, कर्म जलने के साथ बनता है भाग्य, यानी जो भी आपके जीवन में एको आ रहा है उस कर्म की वजह से आ रहा है। लोग भाग्यवादी बनकर बेजान हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, कर्म से दूर भागते हैं, हाँ जो होगा, काम करना ही नहीं चाहते। सुस्त लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा भाती है। तो कर्म और भाग्य, लकड़ी से ही कोयला बनता है, एक ही चीज़ है, मगर कोयला शब्द बोलना पड़ेगा ताकि बोलचाल में आसानी हो, तो भाग्य शब्द बोलना पड़ेगा ताकि बोलचाल में आसान हो। जैसे अंधेरा और रोशनी, अंधेरा क्या है, अंधेरा तो कुछ होता नहीं है, जैसे भाग्य कुछ होता नहीं है, मगर अंधेरा शब्द कहना पड़ेगा, क्यों कहना पड़ेगा, ताकि बोलचाल में आसानी हो। वरना अगर आपको किसी को कहना हो कि मैं फलां रास्ते से जा रहा था, वहाँ बहुत अंधेरा था और वहाँ दो आंखें दिखाई दी मुझे, इसलिए मैं दूसरी तरफ अंधेरे में भाग गया, तो अंधेरा शब्द है तो आप आसानी से कहते हो, वरना क्या कहते, कि मैं रास्ते से जा रहा था, वहाँ वो था जो रोशनी न होने की वजह से होता है, वहाँ वह था जो रोशनी न होने की वजह से होता है, उसमें जिसमें रोशनी न होने की वजह से जो होता है दो आंखें दिखाई दी, फिर मैं दूसरी तरफ वहां भागा जहां रोशनी न होने की वजह से जो होता है, बोलेंगे कितना कन्फ्यूजन हो गया। बोलचाल में आसानी के लिए अंधेरा शब्द बोलना पड़ेगा। अंधेरा क्या है, रोशनी की मात्रा कम, रोशनी की मात्रा कम हो रही है, अंधेरा नाम की चीज नहीं है। जिस चीज को आप अंधेरा कहते हैं उल्लू उसमें देखता है, उल्लू उसमें देखता है, उसकी आंख उसमें, इंसान की आंख नहीं देख सकती खाली, इंसान की आंख देख नहीं सकती, सिर्फ फर्क इतना है अंधेरा नहीं है वो, रोशनी की मात्रा कम है, तो भाग्य नहीं है वो, कर्म की ही मात्रा कम ज्यादा हो रही है, कर्म से ही भाग्य बनता है, लकड़ी से ही कोयला बनता है। लकड़ी से कोयला कभी भी मिल सकता है, महत्वपूर्ण क्या है, लकड़ी, क्योंकि कोयला कभी भी मिल सकता है उससे, लकड़ी से आप घर बनाओगे और कोयला जलाने हो तो कोयला भी बना सकते हो, तो लकड़ी का महत्व समझोगे, कौन सा कर्म आज हम कर रहे हैं, आज जैसे श्रवण का कर्म कर रहे, ये कर्म है। तो कर्म का एको आता है, कुदरत संकेत भेजती है कर्म के बल के रूप में। आपने कोई भी कर्म किया ना, तुरंत फीलिंग आती है अंदर, अच्छे लगने की या बुरे लगने की, तो ये क्या है, कुदरत ने सैंपल भेजा है, सैंपल बल, कर्म का बल तुरंत आता है, फल तंदुरुस्त होकर आता है और कुछ चुस्त कर्मों का तुरंत आता है। तो कर्म का बल तुरंत आता है, सुबह आप नींद से उठते हो, कुदरत आपको समाधि का सैंपल देती है, अभी आप पूरी तरह से जागे भी नहीं हो और नींद में भी नहीं हो,
उस वक्त आपको समाधि का समय आधी, समय से पहले जो था, समय तो बाद में बना दुनिया बनने के बाद, उसके पहले जो था समय आधी समाधि, समाधि का सैंपल कुदरत देती है। जैसे ही आप नींद से उठते हो, मगर कहाँ इंसान उसको समझ पाता है, ले पाता है, वो तुरंत किधर जाना है, क्या करना है, क्या टाइम हुआ है, ऑफिस में पहुँचना है, ये करना वो कर, पूरा गवा देता है वो समय, वो गवा देता है, सैंपल को ठुकरा देता है। तो कर्म का बल भी तुरंत आता है, फीलिंग आती है ये तुमने सही किया कि गलत किया, गलत फीलिंग बता रही है कि तुम गलत कर रहे हो। कुदरत, प्राकृतिक जीवन हमेशा से इंसान को गाइड कर रहा है क्या करो क्या मत करो, मगर वो सुनना बंद हो गया, ध्यान बंद हो गया, अवेयरनेस कम हो गई। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।